रूप अलंकार ज्वेलर्स, गढ़देवी चौक गढ़वा, सोने चांदी के आभूषणों का उत्तम कलेक्शन। देशव्यापी लॉकडाउन में कतार थाना क्षेत्र हजारों मजदूर तेलंगाना, हैदराबाद, जयपुर, गुजरात, उड़ीसा, पुणे, रायपुर एवं अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं। उन लोगों को मुख्यमंत्री सहायता ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। बताते चले कि फैलते संक्रमण के कारण लॉकडाउन के दौरान राज्य के बाहर के तार प्रखंड के हजारों मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। इसके लिए राज्य सरकार मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ऐप के माध्यम से गढ़वा जिले में कुल 21,700 प्रवासी मजदूरों को जिला प्रशासन ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। केतार प्रखंड में इस ऐप के माध्यम से सिर्फ 1185 प्रवासी मजदूरों का चयन हुआ है, जबकि प्रखंड क्षेत्र के अभी हजारों मजदूर दूसरे राज्यों में हैं। केतार प्रखंड के 7 पंचायतों में सिर्फ एक पंचायत के लगभग 1000 या उससे अधिक मजदूर दूसरे प्रदेशों में मजदूरी करते हैं। ऐसे में सिर्फ 1185 मजदूरों को ही ऐप के माध्यम से मुख्यमंत्री ऐप के माध्यम से सहयोग मिलेगा तो हजारों मजदूर सहयोग से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि केतार प्रखंड अत्यंत पिछड़ा इलाका है। वहीं कितने मजदूरों के पास मोबाइल फोन भी नहीं है, ना ही इस ऐप की जानकारी है। दूरभाष पर प्रवासी मजदूर श्री राम चंद्रवंशी, सिकेश चंद्रवंशी, सीताराम व्यार सहित दर्जनों प्रवासी मजदूरों ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया ऐप से हम लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका, जिससे ना ही अभी तक खाद्य सामग्री और सरकार के द्वारा प्रवासी मजदूरों को झारखंड सरकार से किसी प्रकार का सहयोग अभी तक नहीं मिल पाया है। प्रवासी मजदूरों ने झारखंड सरकार से अपील किए हैं कि हम लोगों का नाम दर्ज कर खाद्य सामग्री अपने राज्य में बुलाने की प्रक्रिया की जाए।